नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। नई सुबह, खबरों के नए पिटारे के साथ हम हैं हाजिर। हम आपको बताएंगे आज कि कैसे राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल पाकिस्तान में हीरो बन गए हैं। हम आपको 10:30 बजे बताएंगे एलओसी की चोर गली से हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट और साथ ही साथ देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर। हम लेकिन सबसे पहले इस वक्त बात करेंगे सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 2 की, सूत्रों की। अगर खबरों पर हम बात करें तो नरेंद्र मोदी सरकार सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 2 की योजना बना रही है। तो क्या है ये योजना और कैसे बन रही है सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 2 की एक बहुत बड़ी कारगर योजना, देखिए। पहले पीओके में घुसकर मारा, अब सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 2 की तैयारी। ये तस्वीर है गुरुवार को हंदवाड़ा में मारे गए 3 आतंकियों और उनके पास से बरामद मेड इन पाकिस्तान हथियारों की। ये आतंकी 30 राष्ट्रीय राइफल के कैंप को नष्ट करने के इरादे से आए थे, लेकिन फौज की मुस्तैदी के आगे इनकी साजिश नाकाम हो गई। ये तस्वीरें अब आपको अगले कुछ दिनों में और देखने को मिल सकती हैं। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक फौज ने सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 2 प्लान किया है। खुफिया एजेंसियों से आज तक को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक अब सेना और खुफिया एजेंसियों का जोर सीमा पार से आकर कश्मीर में पैठ बना चुके आतंकियों के सफाये पर है। घुसपैठ को नाकाम करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और नाइट विजन डिवाइसेस से आतंकियों की हर हरकत पर कड़ी नजर रखी जा रही है। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कश्मीर में पैठ बनाने के लिए कुछ इलाके आतंकवादियों की खास पसंद बने हुए हैं। लोलाब घाटी, राजवर के जंगल, बांदीपुरा, हंदवाड़ा का कांजीकुंड, रफियाबाद और नौगाम के इलाके आतंकियों की पनाहगाह बने हैं। कुलगाम, अनंतनाग, पुलवामा और तंगधार के इलाके भी इस लिहाज से बेहद संवेदनशील हैं। पीओके में सर्जिकल ऑपरेशन के बाद पाकिस्तानी सेना आतंकियों की मदद से जम्मू कश्मीर में बड़े हमले करने की फिराक में है। ऐसे में भारतीय सेना ने भी सर्जिकल ऑपरेशन पार्ट 2 की तैयारी कर ली है, यानी आतंकियों को सरहद में घुसने के रास्तों पर ही खत्म करने के साथ ही कश्मीर घाटी में उनकी पनाहगाहों से उन्हें बाहर निकालना शामिल है। और इसके लिए सेना ने सरहद पर अपनी तैनाती मजबूत करने के साथ ही अपने सर्विलांस सिस्टम को भी दुरुस्त किया है। खुफिया एजेंसियों के इनपुट के मुताबिक पाकिस्तानी फौज की मदद से कई जगहों से आतंकी घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं। 10 आतंकवादी तंगधार और केरन से घुसपैठ की फिराक में हैं। उरी में काले रंग के पठानी पहनावे में 5-6 हथियारबंद संदिग्धों को देखा गया है। आतंकवादियों के 2 ग्रुप माछिल इलाके में और 5 आतंकी रामपुर में घुसपैठ की कोशिश में हैं। इनकी साजिश नाकाम करने के लिए घाटी में आतंकवादियों के सभी ओवरग्राउंड वर्कर खुफिया एजेंसियों के रडार पर हैं। खुफिया एजेंसियां मुस्तैद हैं तो उनको चकमा देने के लिए देश के दुश्मन भी लगातार पैंतरा बदल रहे हैं। खबर है कि आपस में बातचीत के लिए अब आतंकी मैट्रिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो YSMS तकनीक का प्रयोग भी कर रहे हैं, जिसके तहत मोबाइल फोन में ऐसी तकनीकी तब्दीलियां की जाती हैं जिससे पेयर किए हुए मोबाइल सेट से संदेशों का आदान प्रदान किया जा सके। दरअसल आशंका है पीओके में सर्जिकल ऑपरेशन का बदला लेने के लिए आतंकी किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक NSA अजीत डोभाल ने प्रधानमंत्री को भेजी रिपोर्ट में कहा है कि इसके लिए 100 आतंकवादी तैयार हैं, लेकिन देश के दुश्मनों को शायद भनक नहीं कि सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 2 उनका काम तमाम कर देगी। मंजीत नेगी, दिल्ली आज तक। यहाँ पर आप कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार, कुछ ही देर में जब हम लौटेंगे तो 10 मिनट में 50 अहम खबरें। राहुल केजरीवाल कैसे पाकिस्तान में बने हीरो, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए।